ऐसी मान्यता है कि जो भी वहाँ पे सच्चे दिल से, सच्ची आस्था और भक्ति से कुछ भी मनोकामनाएं करते हैं वो जरूर एक दिन भगवान पूरी करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो श्रद्धालु गण आते हैं लाखों की संख्या में आते हैं। तो आज हम भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये है बहुत प्रसिद्ध मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, और जो कि है पौड़ी के कांडा जगह है, ये बेल चौरी से थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पर बहुत फेमस है ये मंदिर। आज हम वहाँ से जाएंगे, यहाँ से लगभग मेरे घर से कम से कम 8 से 10 किलोमीटर ये दूर। तो ये पैदल रास्ता है, सभी गांव के लोग वहाँ जाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन ये मेला लगता है, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध ये मेला। ये उंचर गांव की टीम जाती हुई कांडा मंदिर के लिए। और सबसे पहले जो हम पड़ाव हमारा है वो है कुंडल गांव का रास्ता। ये गांव पड़ता है कुंडल गांव में, और ये उसी के ऊपर से वे जाते हुए लोग उंचर गांव के। सामने हिमालय की श्रृंखलाएं बिल्कुल ऐसे सामने दिखती हैं जैसे कि बहुत ही सामने हिमालय की श्रृंखलाएं। और ये बहुत सुंदर सा गांव, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा। आज मौसम पे डिपेंड है, अगर शाम को अगर मौसम अच्छा रहा तो एक अच्छा सा सनसेट देखने को मिलेगा। और अभी हमें जाना है यहाँ पर, कहने को हम कहते हैं कि कितना भी एडवांस ये युवा पीढ़ी हो रही हो बट अपने रीति रिवाज और संस्कार अभी तक भूली नहीं है, उनको अभी भी कायम कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेले होते हैं प्रसिद्ध, उनमें आज भी वो जाते हैं और एक भारी भरकम में जाते हैं, जो हमें अभी देखने को मिलेगा मंजू रोज के मंदिर में, कांडा के मंदिर में, जो कि एक बहुत ही सुंदर लोकेशन पे और बेहला चौरी के सामने बसा हुआ है। ऐसी मान्यता है जो भी आज के दिन श्रद्धा भक्ति से जो भी मनोकामना करता है वो एक न एक पूरी होती है। इसीलिए वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और एक बहुत सुंदर सा व्यू, आज थोड़ा धुंध भी लगी हुई है दीपावली के कारण, ये है श्रीनगर गढ़वाल। ये है हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत ही फेमस खजरा के नाम से जाना जाता है। ये खजूर है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं खजूर, और इसका उपयोग झाड़ू के लिए भी होता है पहाड़ों में। गांव का रास्ता क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पिसोली गांव के ऊपर। इस गांव में फिर भी यहां पर सड़क की व्यवस्था है तो लोग आसानी से अपने मार्केट पौड़ी तक जा सकते हैं, इसलिए इस गांव में कम प्लान हुआ है बजाय अन्य गांवों के। यहां पर ऊपर गाँव है लोअली पनिया और भेटा, और सीधा ऊपर देखने को मिलेगा, अभी धूप के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये है खुरदौड़ी। और इसी के जस्ट सामने इस तरफ हमारा गांव उंचर गांव, और जहां से भी हम आए हैं ये है पिसोली, और उसी के जस्ट ऊपर कुंडल गांव। बढ़ते हुए आगे हम बाय रोड जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब गांव पड़ते हैं ऊपर सिंडी और जसकोट, काफ़ी फेमस गांव। ये भी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव माने जाते हैं सिंडी, जसकोट और पिसोली गांव।
ये गांव बिल्कुल सड़क पे सटे हुए हैं, सड़क के किनारे बसे हुए हैं, और यहाँ पर फिलहाल स्वास्थ्य की सुविधा तो नहीं है, बट स्कूल और जो सड़क, जो कुछ चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, तो वो उस कारण थोड़ा प्लान कम हुआ है। और बिल्कुल इसके सामने से श्रीनगर गढ़वाल, जहाँ पर एक से एक विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य बेस हॉस्पिटल या संयुक्त हॉस्पिटल भी हो, तो यहाँ से लोग ट्रैवल कर लेते हैं वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि मेन है कि सड़क की सुविधा है। तो यहाँ से लोगों ने प्लान थोड़ा कम किया है। और हालांकि यहाँ पर जो मेन व्यवसाय था लोगों का, खेती, वो भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जंगली जानवरों ने खेती को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। और थोड़ा लोगों की मेंटेलिटी भी अब हट कर हो चुकी है। लोग सोचते हैं कि मैं खेती करूंगा, अगले को देखते देखते, देखा देखी करते करते उन्होंने भी खेती को छोड़ दिया है। इसी से पता चलता है आज भी हमारे रीति रिवाज, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है पहाड़ की, वो अभी भी जीवित है। हालांकि हम कितने भी एडवांस हो जाएं, आज भी यहाँ पर श्रद्धा व्यक्ति और पूजा पाठ, जो उत्तराखंड देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी दिशा में चले जाएं आप, वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे, भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी, भगवान यहाँ पर की धरती पर विराजमान है। ज़रूरी नहीं आप हरिद्वार, ऋषिकेश की बात करें, या बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें, या देवभूमि जो कि देवों की भूमि मानी जाती है, यहाँ पर एक से एक देवता विराजमान है। पहुँच चुके हैं सिंडी और जसकोट की सीमा पर, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये गांव बसे हुए हैं। और बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है पिसोली, और उसके सामने बाड़ा और खैणीसेना गांव। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ से अभी भी लगभग हमें एक घंटा और चलना होगा। बहुत ही सुंदर गांव, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बसे हुए हैं सिंडी और जसकोट। अभी हमें एक बाइक में हमारे दो सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने गाड़ी रोकी और मिलके गए, और हमारी वीडियो की उन्होंने काफ़ी सराहना की है, जो कि हम अपने गांव को दिखा रहे हैं उसकी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें मिलते हैं और हमसे मिलके जाते हैं, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ अब हमें इसी क्षेत्र में, इसी ब्लॉगिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है, और जो आप लोग हमें प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुंदर सागर देखने को मिला है, जो है कि जसकोट गांव है। जसकोट गांव में एक अच्छा सा घर देखने को मिला है, जो कि बहुत ही पुराना घर है, बट जो इसमें कला की गई है, बहुत ही सुंदर घर। जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे गर्मी भी लग रही है, क्योंकि ये थोड़ा हमारे गांव से काफ़ी नीचे है, कम से कम 3 किलोमीटर पहले नीचे आकर अब हम जो चल रहे हैं रास्ते सड़क पर, वो हमारे गांव से कम 3 से 4 किलोमीटर नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी सी है। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच चुके हैं जसकोट और सिंडी गांव के बीच में, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम बन रहा है, भी कार्य चल रहा है, बहुत ही टाइम से चल रहा है। और ये रास्ता जा रहा है जसकोट गांव के लिए, ये आश्रम जो अभी बन रहा है, इस पर अभी कार्य चल रहा है, राजकीय आश्रम पद्धति विश्वविद्यालय सिंडी जसकोट पौड़ी गढ़वाल। और इस आश्रम में भी काम चल रहा है, बन रहा है, हालांकि अभी यहां पर नीचे जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो हमने सोचा था एक बार नीचे जाते हैं, बट अभी यहां पर काम चलने के कारण हमें नीचे नहीं जाने दिया, तो हमने बाहर से ही दिखाने के कोशिश की है। काफ़ी बड़ा आश्रम है,
जो कि एक पहाड़ वाले क्षेत्र में बन रहा है, पहाड़ को काट कर बनाया गया है, अच्छी लोकेशन है। तो अभी भी हालांकि यहाँ पे काम चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हुए और एक बार फिर से यहाँ से देखेंगे लोकेशन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह पे गांव बसा हुआ है। और जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं। इस सड़क में लोग पैदल भी जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन, दूर दूर है। और जो एक गांव की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा गांव है तेला, और इसके सामने अब लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। सौर ऊर्जा का प्लांट बन रहा है सामने, और देखेंगे आप गाड़ी में भी आज लोग छत में भी चढ़े हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर आपको ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। इसे हमारे यहाँ पर परखुंडा कहते हैं। घास होती है जो इन दिनों ठंडियों में घास काटी जाती है, उसके बाद इसको बरसात के टाइम और गर्मियों के लिए रख देते हैं। लोगों ने यहाँ पे खंभे पे भी लगाए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको पेड़ों पर भी लगाया है। और अब हमने सिंडी और जसकोट गाँव की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए, और ये आखिरी बैंड जो कि हमारे गांव से भी दिखाई देता है, ऊपर घुड़दौड़ी से भी दिखाई देता है। घुड़दौड़ी यह रहा सामने, बिल्कुल ऊपर जो चोटी पर दिखाई देता है घुड़दौड़ी। और अब हम बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अब हम, और सबसे अच्छी चीज़ श्रीनगर गढ़वाल जो कि यहाँ से बिल्कुल सामने नज़दीक दिखाई देता है। आज धुंध के कारण, दीपावली में जो धुंध हुई है पटाखों के कारण, उसके कारण इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी बहुत ही सुंदर दृश्य पहाड़ों की इन हसीन वादियों में बसा हुआ श्रीनगर गढ़वाल। और यही रोड अब आगे बढ़ते हुए श्रीनगर गढ़वाल की तरफ चली जाती है। पहुँचने ही वाले हैं बिल्कुल सामने हमारे देवल गांव, और ये नीचे मार्केट देवल चौरी करके है। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, और ये इधर श्रीनगर गढ़वाल से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। ये श्रीनगर गढ़वाल से आती हुई गाड़ियाँ, और आगे बिल्कुल सामने हमारे देवल चौरी और वो देवल गांव मिला है बहुत ही सुंदर लोकेशन पर। गढ़वाल जो कि यहाँ से बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू ये यहाँ पर। और अब सामने से एक जहाज आ रहा है, इतनी फोन में मुश्किल ही दिखेगा, हालांकि कोशिश करेंगे दिखाने की। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ऊंचाई पर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, एक चिड़िया के समान बहुत ही हाइट पर है जो कि ये हेलीकॉप्टर। और ये सुंदर सा गांव देवल। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं देवल चौरी में, और सामने आप ढोल की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। यहां से डोली जाने की तैयारी हो रही है ऊपर मंदिर के लिए, और यहां से अब खड़ी चढ़ाई मंदिर को जाने के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देखने को मिलेगी भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ से। और बिल्कुल सामने अब हमें देना चाहिए,
और ये है देला चोरी मार्केट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़। और मेले में एक चीज़ देखने को मिली हमें, जिसको झंगोरा भी कहते हैं। हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई देहल चोरी मार्केट से ऊपर की ओर। इस रास्ते ही पहले बागी को लिया जाता था और यहाँ पर बागी की बलि दी जाती। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा कुछ सालों बाद, यानी कि मतलब कुछ साल पहले ही बलि को बंद किया गया। और हालांकि आज भी डोली, जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित करती है, वो आज भी आती है। और अब हम चढ़ाई को चढ़ते हुए अभी हमें चढ़ाई क्रॉस करनी है। फाइनली यहाँ पर आज भी पूजा की जाती है। इस पेड़ की मान्यता है, जो भी बागी जब यहाँ से इस रास्ते लाए जाते थे और जो बागी इस पेड़ के सामने से होकर गुजर कर सीधा ऊपर निकल जाता था, तो उसकी मंदिर में ही बलि दी जाती थी। और जो बागी यहाँ पर इस खेत के सामने रुक जाता था, उसकी बलि यहाँ पर दी जाती थी और फिर से उसको मतलब मंदिर में नहीं ले जाया जाता था। उस बागी को उसकी बलि नीचे ही दी जाती थी, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, वो एक तरह से अशुभ हो जाता था। और यही वो पेड़ है, आज भी इस पेड़ की यहाँ पर पूजा की जाती है। फाइनली अब हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, फिर भी पिछले साल बंद हुआ था, उस हिसाब से भीड़ काफ़ी दिख रही है दूर से हमें। जिस तरह से अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाके और क्लियर दिखेगा हमें कि कितनी भीड़ और कितने लोग आए हैं, कितने दूर दूर से लोग आए हैं, तो बिल्कुल आगे जाके ही पता लगेगा। और यहाँ से अब हमें ये एक बिजली का प्लांट भी दिखाई दे रहा है, जो कि बागवान कहते हैं इस जगह को। बिल्कुल नदी किनारे बसा हुआ है, वहाँ भी दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ नीचे तक लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल कोविड प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर मेला नहीं लगा था शासन प्रशासन की गाइडलाइन के द्वारा। और इस साल काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, नीचे भी दुकानें लगी हुई हैं और मंदिर प्रांगण में भी। और अब बिल्कुल हम मंदिर प्रांगण के सामने आगे बढ़ते हुए हम शासन प्रशासन के द्वारा अब आगे बढ़ते हुए हम मलकुल मंदिर के प्रांगण में। और फाइनली अब हम मंदिर प्रांगण पर पहुंच चुके हैं, करने के बाद और शासन प्रशासन के द्वारा हमें कोविड गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। माँ चंद्रवल्ली को नतमस्तक करें, क्योंकि माँ मंजू माता चंद्रवल्ली माता जो है ये आपस में
और अब हम बढ़ते हुए आगे बहुत ही लंबी लाइन लगी है यार। और साथ साथ में हमारे यूट्यूबर फैमिली के भी लोग मिल रहे हैं। और हमें मिल रहे हैं हमारे YouTube फैमिली के लोग। सब लोग नहीं आए और मान्यता है यहाँ पर जो भी सिक्का उछालता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सामने देख सकते हैं आप श्रीनगर गढ़वाल। यहाँ से आपको श्रीनगर की ये हसीन वादियाँ और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ देखने को मिलेंगी। और जिसकी बात हम कर रहे थे यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़। और क्या बोल रहे हो।
कुछ दुकानें नीचे भी लगाई गई हैं मंदिर के नीचे, शासन प्रशासन के द्वारा उनको अनुमति ना मिलने के कारण उनको नीचे लगानी पड़ी। और काफ़ी नीचे तक देख सकते हैं आप, गाड़ियां लगी हुई हैं, इसका मतलब काफ़ी भीड़ अभी होने वाली है। शाम के टाइम होते होते यहां पे अब डोलियां भी आने लग जाएंगी तो भीड़ बढ़ने लग जाएगी। आसपास के गाँव की डोलियाँ आती हैं और भीड़ बढ़ने लग जाती है। Thank you.
और पता नहीं चला कौन देखिए यहाँ पर ग्राम कांडा पटनी रावत में ग्राम कांडा जो है यहाँ पर श्री मंजू गोसेश्वर महादेव की स्थापना हुई है। ये प्राचीन कथा है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के अनुसार पर इस प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ भोले शंकर अगरदानी हैं, वो हर जगह रहते हैं, साकार में भी रहते हैं, निराकार में भी रहते हैं। तो जब उत्तराखंड में वो यहाँ के उत्तराखंड में उनका भ्रमण हुआ तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर खैरा का जंगल था, करोड़ों पेड़ों का जंगल था। तो उन्होंने एकांत वास में यहाँ देखकर इस जमीन को, इस भूमि को पवित्र हुई है। क्योंकि इस भूमि में आप लोग भी तो पत्रकार भाई बंधु खड़े हैं, चारों तरफ देख सकते हो, कहीं भी एक स्थान से चारों तरफ देख सकते हो कि यहाँ से पूरा सामने हिमालय पहाड़ वगैरह सभी चीज़ें दिख जाता है। एक तरह से शंका देखने से ही शंका दूर हो जाती है। तो भोले शंकर जब उत्तराखंड से प्रस्थान होने लगे तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ का खैरा जंगल और करोड़ों का जंगल जब देखा तो उनके मन में भाव आया, तो यहाँ तपस्या में बैठ गई। आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले से पूरे सृष्टि को चलाने वाले तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शंकर जी जो वो जो है शंकर जी जो है वो साकार रूप में आते हैं। साक्षात उनके ऊपर ज़्यादा बहुत जवाबदारी, देवों के देव इसीलिए माना गया है कि वो समस्त खबर काफ़ी समय तक उन्होंने यहाँ तपस्या की। तो वो स्वर्ग लोग में विडम्बना आने से तो उन्होंने क्या किया, परियों को भेजना शुरू किया। तो मंजू नाम की परिया यहाँ आई है, उसको आने के बाद में वो मंजू माता ने ही यहाँ पर जो है प्रवेश किया और तो वो तपस्या किया। तो उसके बाद में उनको जो है उनकी तपस्या से उनकी जैसे भी हो पूर्व लोग जानते हैं उनके बारे में, तो जाके हम शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। तो प्रकट होके फिर प्रसाद मंजू माता जी यहाँ पर सामने परी जय चंद्रबंदी माता जो है वो भी परी आई थी ऊपर से। तो दोनों से बहनों ने आपस में सहयोग किया एक दूसरे की मदद के लिए। माँ मंजू माता ने मदद मांगी तो उन्होंने मदद से देखे, उन्होंने यहाँ पर शंकर जी का जो है उनका जो तपस्या था उनको कर दी ना। तो फिर वो शंकर जी यहाँ पर भी भावना रहता है, अभी भी ये प्रमाण है जो अमेरिका रूस इंग्लैंड हिंदुस्तान से उत्तराखंड से आदमी जो विदेशों में गए हैं वो अपनी भावना से को प्रकट करते हैं कि हम फलाना साल अमुक साल अमुक वर्ष को आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। अगर वो विलम्ब से नहीं आए तो वहाँ वो प्रकट होते हैं, उनके बच्चों पे औरत पे रूब आ जाती है, आने से तो उनको फिर आना पड़ता है। इसलिए भोले शंकर मंजू गोसर महादेव अप्सरा ने ही इसका नाम उसका मंजू नाम उसका रखा। और मंजूकोट के द्वारा जो है ब्राह्मण परिवार के लोगों को बुलाने पे तो मंजूकोट नाम पड़ा। इसलिए यहाँ राजा था, ये मंजूकोट में रियासत थी, रावत रियासत थी न, उस समय की बात है न। हाँ ये बात है, बलि प्रथा यह है जब यह विकंड रूप धारण हो गया उत्तराखंड में, अचल पचल हो गया, तो माँ भवानी माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा भवानी जो है ये उसका कार्य क्षेत्र, माँ लक्ष्मी का कार्य क्षेत्र अलग है, माँ सरस्वती का कार्य क्षेत्र अलग है, माँ दुर्गा का कार्य क्षेत्र है। माँ दुर्गा माँ भवानी जो है दुर्गा के रूप में धारण करती है। यहाँ पर राक्षसों का जो वास था यहाँ पर,
उन्होंने यहाँ पर उनका जो है विनाश किया और तब जाके तब ये हुआ है न समझे, बलि प्रसाद तब जाके माँ को नाम पे दी गई। फिर उसके बाद में जब माँ को संतोष किया गया समय परिवर्तन होने के अनुसार बलि प्रसाद इसलिए बन गई। बैलों की बकरी की बलि देते थे माँ काली माता के पास और उसके बाद में भैंसों की बलि देते थे, तो इसे देख के परम्परा भी बंद हो गई। हाँ पहले बंद हो गया, हाँ तीन में प्रस्ताव रखा गया पास हो गया, उसके बाद में तब किया गया। यहाँ की जनता से समर्थन लिया गया, जनता ने समर्थन दिया तब जाके पास हुआ। ये बलि प्रसाद जो है हमारे ये लोगों मंदिरों की तरफ से नहीं है, ये सब पूरी जनता के अनुशासन से उनकी सहमति से हुआ है न समझे आप। और माँ को जो है संतुष्ट किया गया न समझे, जब माँ संतुष्ट हुई तब जाके बंद हुआ। Dreaming.
हल्ला मचाने Yeah.
डोली एक और आती हुई नहीं जाओ कुत्ता अमरूद खाने को मिल गया मैं सिंडी गांव के लोगों ने अमरूद खिला दिया मैं सिंडी थोड़ी जा सोटे मतलब इससे पता चलता है अभी पहाड़ में मानवता भी है ये देखो नमक भी दिया ए मानव आदमी चुपड़ा नमक भी अमरूद भी अब जाओ बुजुर्ग आदमी तो जाओ भेजो ओटू और बड़े स्वादिष्ट अमरूद भूख भी लग गई थी घर जाते टाइम तो
been a long flight to stay on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive, oh, to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear.